अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकओवर एस्थेटिक्स विद सबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल फिटफाट होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो है शॉपिंग हॉल से रिलेटेड। जी हाँ, बिल्कुल टाइटल से अंदाजा हो गया होगा कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी शॉपिंग हॉल और जो कि मैंने दराज से शॉपिंग की थी। जितनी भी शॉपिंग आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये मुझे 12-12 सेल जब दराज की लगी थी, जब मुझे ये आपसे शेयर करनी थी, लेकिन मैं हो गई हूँ थोड़ी सी लेट। लेट होने की वजह से पैकेट्स खोल लिए थे सबके, क्योंकि मुझे उनमें से कुछ चीजें इस्तेमाल करनी थी। और फिर मैंने सोचा कि चलें अच्छा ही है, एक साथ में आपको कुछ चीजें जो मैंने इस्तेमाल की हैं उनका मैं रिव्यू भी साथ साथ देती चली जाऊंगी और आपको डिटेल्स भी सारी अपने शॉपिंग हॉल की शेयर कर दूंगी। रिकॉर्ड मैंने पहले कर ली थी लेकिन वॉइस ओवर लेट हो गया, इसकी वजह से वीडियो मेरी बहुत ज्यादा लेट हो गई। काफी टाइम से मैं गायब थी, वीडियोज नहीं मेरी आ रही थी, लेकिन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं अब रेगुलर वीडियो पोस्ट करूँ। आज की इस शॉपिंग हॉल वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ मेकअप से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ नेल और नेल आर्ट से रिलेटेड चीजें हैं, और कुछ जो हैं वो डेकोरेशन से रिलेटेड चीजें जो मैंने परचेज की थी वो सब मैं आज की वीडियो में आपसे तफसील के साथ शेयर करूंगी और प्राइस डिटेल्स भी आपको बताऊंगी कि मैंने ये दराज से कब ऑर्डर की थी और किस तरह से ऑर्डर की थी और स्कैम से आप किस तरह से बच सकते हैं, सही तरीका क्या है ऑर्डर करने का, ये सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो एंड तक वीडियो लाजमी देखनी है, और अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे इंस्टा पेज भी जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी जनाब, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये जितने भी चीजें आप देख रहे हैं ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी और एक महीना पहले ऑर्डर की थी, जब सेल लगी हुई थी उस वक्त की जो प्राइसेस थी वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं ये खूबसूरत सी कैंडल्स जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। मैंने दो कैंडल्स का पेयर खरीदा था, एक ये पिंक कलर में थी और ये सेंटेड कैंडल्स है, और एक जो थी ये व्हाइट कलर के अंदर मैंने परचेज की थी। अगर जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वो यकीनन मेरे रील्स में ये देख सकते होंगे, और ये मैंने स्पेशली मंगवाई थी अपनी रील्स के लिए और अपने यूट्यूब के वीडियोस में थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लुक बनाने के लिए अपनी वीडियोस का। तो चलिए मैं इनकी आपको प्राइस भी बता देती हूँ। और ये दो कैंडल्स मुझे मिली थी 329 रुपीस में, और आई मस्ट से कि ये बहुत बहुत अच्छी कैंडल्स हैं, क्योंकि मैं इनका पैकेट खोल कर इन्हें यूज कर चुकी हूँ अपने रील्स में। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज जरूर फॉलो कीजिएगा। ओके जनाब, अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे नेल्स की कुछ कलेक्शन जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की थी। ये एक पैकेट है जो कि दराज से लिया था, और ये वाला भी जो अक्सर मैं अपने इंस्टाग्राम रील्स में यूज कर चुकी हूँ। और इन नेल्स की सबसे अच्छी बात ये कि इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ही कम प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छे ये नेल्स मिल जाते हैं। दराज मिस्रोस का भी स्टोर है, तो वहां से जाकर भी आप अगर चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला एक नेल सेट है जो कि मैं अपने वीडियो में यूज कर चुकी हूँ, ये भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी में नेल सेट था जो कि ग्लू के साथ मुझे रिसीव हुआ था। और ये वाले जो नेल्स जो इस वक्त लगे हुए देख रहे हैं ये भी फेक नेल्स हैं जो कि मैंने दराज से ही ऑर्डर किए थे। इसके बाद ये फ्रेंच नेल्स का ये वाला पैकेट है जो कि मैं अक्सर यूज कर चुकी हूँ, और ये मैंने रीपरचेज किया था ये वाला पैकेट। बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी में भी बहुत अच्छे हैं, प्राइस रेंज इनकी बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। नेल्स के अलावा यहाँ पर मैंने नेल्स के कुछ स्टिकर्स भी नेल आर्ट के लिए ऑर्डर किए थे, ये भी बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। फेक नेल्स को ऑब्वियसली चिपकाने के लिए आपको या तो एडहेसिव टैब्स की जरूरत पड़ती है या ग्लू की जरूरत पड़ती है, तो ये भी टैब्स कुछ मैंने ऑर्डर किए थे दराज से, और इसके साथ साथ ये कुछ नेल ग्लू है जो कि आपको ऑब्वियसली जरूरत पड़ती है फेक नेल्स लगाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ग्लिटर्स भी मैंने अपने नेल आर्ट के लिए ऑर्डर किए थे दराज से, और यहाँ पर बस मुझे एक ये प्रॉब्लम हो गई कि ये पैकेट मुझे दिखने में लगा था कि ये बड़े साइज का होगा लेकिन ये बहुत छोटा सा निकला। तो ऑनलाइन ऑब्वियसली परचेजिंग में आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि दिखने में पिक्चर्स में आपको चीजें बड़ी लगती हैं लेकिन वो होती है एक्चुअली में बहुत छोटी है साइज में, तो ये आपने ध्यान रखना होगा ऑर्डर करने से पहले। इसके अलावा नेल रिमूविंग वाइप्स भी ऑर्डर की थी, ये भी आपको बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं। इसके अलावा ये कुछ मैंने छोटे छोटे से कंटेनर्स ऑर्डर किए थे लिप बाम बनाने के लिए और आई क्रीम बनाने के लिए, तो ये कंटेनर्स मुझे रिक्वायर्ड थे, तो ये भी मैंने 6 का सेट खरीदा था। ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, बहुत मजबूत है। ये देखिए, इसमें मैंने लिप बाम भी बनाकर रखा हुआ है जो कि मैं अक्सर यूज करती हूँ। तो इस तरह के कंटेनर्स जो है आपको छोटी छोटी सी रेमेडीज में बहुत इस्तेमाल में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक लिपस्टिक आपको दिखा दूं जो कि मैंने मिस्रो से ऑर्डर की थी, और ये वाला जो शेड था मुझे ये मेरी ही गलती की वजह से गलत शेड रिसीव हो गया। मैंने पिक्चर में जो देखा था मुझे लगा था कि ये पीच कलर का होगा लेकिन ये इस शेड का था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, सो आई डोंट लाइक दिस कलर।
वैसे लिपस्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी में है। अच्छा, मिस रोज की एक और पैलेट भी दिखा दूं जो कि मैंने दराज से परचेज की थी, और ये है ब्लश किट जो कि मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, और क्वालिटी में भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आपको बहुत ही कम प्राइस रेंज में 6 शेड्स डिफरेंट मिल जाते हैं। अच्छा, सईद गनी का भी मैंने ये एक स्किन पॉलिश ऑर्डर की थी, ये मैंने अभी तक यूज नहीं की है। इसको मैं यूज करूंगी तो ही मैं इसका रिव्यू दे सकूंगी। ये अभी बस मैंने मंगवा ली थी और मैंने ये रख ली थी, लेकिन इससे मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, तो लेट्स सी के ट्राई करने के बाद इसका रिजल्ट क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा दराज से मैंने अपने बेबी के लिए कुछ चीजें ऑर्डर की थी, टीटर था और ये स्पून फीडर था, इसके अलावा ये फ्रूट पेसिफायर था जो कि मैंने एक ही पैकेज के अंदर ऑर्डर किया था, और ये मुझे काफी रीजनेबल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है। आई मस्ट से इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट आ जाता है पैनकेक। अब मुझे चाहिए था एक वाटर प्रूफ पैनकेक चाहिए था, तो इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी थी, दिस इज कॉल्ड इंडियन पैनकेक, तो इसे मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, लेकिन इसको जब मैं यूज करूंगी तो डेफिनेटली इसका मैं रिव्यू जरूर दूंगी। इसको मैं खोल कर दिखा देती हूँ, ये दिखता कुछ इस तरह से है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, मैंने मैक का ये पैनकेक मंगवाया था जो कि ऑब्वियसली ओरिजिनल नहीं है, ये आपको 300, 350 तक की रेंज में मिल जाता है, लेकिन ये मैंने गलत शेड जो है वो ऑर्डर कर दिया, दिस इज टू डार्क फॉर मी। इसका जो नंबर है ये है Rose 36 जो कि बहुत ज्यादा डार्क है मेरे स्किन टोन से, तो ये तो मेरा तकरीबन कोई वेस्ट ही है। नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर की थी चीज, वो मैं आपको दिखा दूं, LA Pro Girl का ये कंसीलर है जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किया था, और दिस इज नॉट ओरिजिनल। ये आपको ओरिजिनल जो है LA Girl Pro कंसीलर, ये आपको तकरीबन मिलता है 1000 रुपए तक के रेंज में, 800 से 1000 के रेंज में, लेकिन ये जो मुझे मिला है ये तकरीबन 150 से 200 या 300 के रेंज में आपको LA Girl के ये कंसीलर्स मिल जाते हैं। ये भी क्वालिटी जो है इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ब्यूटी ब्लेंडर्स मैंने ऑर्डर किए थे, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुए हैं मुझे, ब्यूटी ब्लेंडर भी बहुत सॉफ्ट हैं, मैं इनकी प्राइजेस आपको आगे शो कर दूंगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने सुपर क्यूट से 2 मिनी प्लांटर्स ऑर्डर किए थे और ये मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे थे, ये भी मुझे एक सेट में रिसीव हुए थे दोनों, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। अपने इंस्टा रील्स में आजकल मैं इनको यूज करती हूँ, और अब यूट्यूब के वीडियोस में भी आपको ये नजर आएंगे, प्लांट्स ये बहुत ही क्यूट थे। अच्छा, मैं इसकी प्राइस आपको दिखा दूं कि ये जो मुझे पेयर रिसीव हुआ था प्लांट्स का, ये 395 रुपीज में मुझे रिसीव हुआ था, डिलीवरी चार्जेस जो है ऊपर मिला के तकरीबन आई गेस ये मुझे 500 तक के पड़ गए थे दोनों। मैं आपको और दूसरी चीजों की प्राइस भी बता दूं, जो मैंने LA Girl का जो कंसीलर लिया था ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये 149 रुपीज में लिया था, इसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड नहीं है, आप इसमें ऊपर 99 या 100 रुपीज जो है वो टोटल कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैक बेस रिसीव हुई थी पैनकेक, ये था 550 रुपए का मिल गया था, और जो इंडियन पैनकेक जो मैंने ऑर्डर किया था ये तकरीबन मुझे मिला था 350 रुपीज का। अच्छा, और मैंने एक और चीज भी ऑर्डर की थी, एक ट्राइपॉड मैंने ऑर्डर किया था दराज से, ये मुझे मिल गया था 650 रुपए का, जिस पर मैं अपनी रिंग लाइट फिक्स करके अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, तो ये भी मैंने अपने यूट्यूब के लिए ऑर्डर किया था, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। यहाँ पर स्क्रीन पर आप प्राइसेस देख सकते हैं कि मैंने जो एडहेसिव टैब्स लिए थे ये 200 रुपीज के थे, और नेल्स का जो सेट मैंने बाय किया था तकरीबन एक जो सेट था वो मुझे मिला था 273 रुपीज का, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं नेल्स की, सब नेल्स जो है वो एक सेम प्राइस के नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने ग्लिटर का सेट जो ऑर्डर किया था ये था तकरीबन 299 रुपीज का, 300 यानी डिलीवरी चार्जेस मिला के जो है वो थोड़ी ऊपर कॉस्ट आ गई थी। अच्छा, इसके अलावा मैंने लीव्स का भी एक सेट डेकोरेशन के लिए ऑर्डर किया था, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला ये जो था ये मैंने ऑर्डर की थी ट्रेल एक, और ये भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ही लिए मैंने ऑर्डर की थी, ये भी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा ये शीट मैंने ऑर्डर की थी, एडहेसिव वॉलपेपर आप समझ लें एक तरह से, और इसके अलावा एक मैंने मार्बल शीट ये वाली ऑर्डर की थी, ये भी बहुत ही अच्छी है क्वालिटी में, लेकिन अब इसका एक साइड से जो हाल जो रिंकल्स आ गए काफी बुरा हो गया है, तो अब मैं इनके भी आपको प्राइसेस बताते चलूं कि जो मैंने ये वॉलपेपर शीट जो मार्बल की खरीदी थी ये थी तकरीबन 240 रुपीज में, उस वक्त की सेल प्राइस से ली थी मैंने। इसके अलावा मैंने कुछ डेकोरेटिव आर्टिफिशियल प्लांट्स ऑर्डर किए थे, उनकी भी प्राइस यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। ये वाला मैंने सेट खरीदा था प्लांट का, ये भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा एक ये वाला प्लांट का सेट है जो कि मैं अपनी रील्स में यूज करती हूँ। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर्स जो मैंने खरीदे थे और उनके भी मैं आपको प्राइसेस बता देती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर्स मैंने खरीदे थे 199 रुपीज के, जो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिल गए थे मुझे। इसके अलावा मैंने एक मिनी फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड परचेज किया था जो कि बहुत ही खराब रिसीव हुआ था, तो एक जो मेरी ये चीज थी ये मुझे खराब रिसीव हुई थी जो कि बिल्कुल मेरे काम नहीं आई। इसके अलावा मैंने एक रिंग लाइट छोटी सी मंगवाई थी
फ्लेक्सिबल होल्डर के साथ, तो ये तकरीबन मुझे 1400 रुपीज में पड़ा था। जी जना, तो अब मैं आपको बता दूं कि आपने सही तरीके से ऑर्डर किस तरह से करना है दराज से और किस तरह से आप इस काम से बच सकते हैं। जो भी चीज आपने ऑर्डर करनी हो, जिस भी ब्रांड की चीज आपने ऑर्डर करनी हो, सबसे पहले आप वो चीज सर्च बार में जाकर नाम से सर्च कर सकते हैं और हर ब्रांड का फ्लैगशिप स्टोर दराज पर मौजूद है। स्टोर किस तरह से पता करेंगे कि ये ओरिजिनल है, तो ये इसकी एक निशानी है कि आपको यहाँ पर मॉल लिखा हुआ नजर आएगा। जहां जहां पर भी मॉल लिखा हुआ होगा, आपने उसी स्टोर से जाकर परचेजिंग करनी है, क्योंकि वहां से आपको अक्सर जो है वो 99% चीजें सही और अच्छी क्वालिटी की और ओरिजिनल रिसीव होती हैं। और अगर कोई ऐसी चीज आपको पसंद आ रही है जहां पर जो मॉल नहीं लिखा हुआ और नॉन ब्रांडेड है कोई चीज, तो फिर आपने उसके रिव्यू सेक्शन में जाके रिव्यूज जरूर देखने हैं। अगर तो अच्छे रिव्यूज आप देखें तो फिर उसी जगह से आप ऑर्डर करें, और अगर आप नेगेटिव रिव्यूज देखें तो फिर आप उस स्टोर से चीजें ऑर्डर ना करें। मेक श्योर करना है कोई भी चीज फाइनल ऑर्डर करने से पहले कि आप उसके रिव्यूज चेक कर लें और स्टोर चेक कर लें कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। जी जनाब, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आई होप कि आप जो भी चीज ऑर्डर करें वो आपको सही रिसीव हो और आपके पैसे जाया ना हो। जी जनाब, तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज का शॉपिंग हॉल आपको पसंद आया होगा। आप भी दराज से ऑर्डर चीजें कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आप स्कैम से बच सकते हैं और चीजें आपको सही रिसीव हो सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपने दराज से चीजें ऑर्डर की हैं तो अपना भी आप एक्सपीरियंस कॉमेंट में शेयर कर सकते हैं। कोई और ओपिनियन अपना ऐड करना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड भी आप सजेशन जो है वो कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टा पर मुझे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आऊंगी। जब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। We'll be right back.